महाभारत में बहुत लोग गलत थे, बहुत लोगों की गलती से हुआ, लेकिन दो लोगों के नाम बड़े हैं, पिता और पुत्र। कौन सा पिता? पिता पुत्र के नाम बताओ। पिता मतलब धृतराष्ट्र और पुत्र मतलब दुर्योधन। दुर्योधन जो कहता धृतराष्ट्र वो सब कुछ करते। दुर्योधन जो कहता धृतराष्ट्र वो सब करते। दुर्योधन बोला कि मुझे जुआ खेलना है, पिता ने जुआ की व्यवस्था कर दी। दुर्योधन ने बोला कि पांडवों को 12 साल का वनवास दो, पिता ने कह दिया 1 वर्ष का अज्ञातवास दो। भरी सभा में साड़ी उतर रही है और धृतराष्ट्र चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। भाई चलो, नालायक बेटा है तो बाप तो समझदार है, धृतराष्ट्र को तो बोलना चाहिए ना दुर्योधन को, क्यों रे क्या कर रहा है, तेरी भाभी लगती है ये रिश्ते में, वो तो इसके कपड़े उतारने की बात कर रहा है। गलती यदि बच्चे करें और बड़े वहां खड़े हों तो गलती बच्चों की नहीं मानी जाएगी, गलती बड़ों की मानी जाएगी, क्योंकि वो आपकी उपस्थिति में, यदि आप नहीं होते और तो गलत होता तो मान लिया जाता कि चलो बच्चे हैं, पर आप थे वहां, समझदार थे, वो सबसे बड़े थे वहां भीष्म पितामह। लेकिन भीष्म पितामह को मैं गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं था, वो तो बिना जहर के सांप थे। पावर था धृतराष्ट्र के पास, क्योंकि वो राज गद्दी पर बैठे थे और राजा का धर्म होता है कि वो न्याय करें और न्याय खुद की बहू का ना कर पाए। एक बात बताएं, जिस जिसके घर में महाभारत होता है केवल बड़े बूढ़ों की लापरवाही के कारण होता है। बच्चे गलत हैं माना कि, पर बच्चों को समझाया जा सकता है डांट कर, पर बड़ों को कौन समझाएगा? दुर्योधन को समझाया जा सकता था। हमारे यहां समझाने के 4 विधान हैं। कितने प्रकार से समझाया जाता है बताओ, मैं ये बताओ कितने प्रकार से समझाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में कितने प्रकार से समझाने का विधान है, कितने बताओ? 4 प्रकार से समझाओ। पहले साम, भैया मान जा, ऐसे भैया मान जा, समझाओ मान जा। दूसरा, भैया पैसे ले ले मान जा, टॉफी खा लेना जा, लॉलीपॉप खा लेना। साम, समझाओ हाथ जोड़ के मान जा भैया। दाम, पैसा दे के समझाओ मान जा भैया। साम दाम, दंड, नहीं माने तो जूता, दंड। साम दाम दंड, बोलो साम दाम, साम दाम दंड। तीसरी नीति क्या है? दंड। जूते से समझाओ, जैसे समझे, बातों से ना माने तो लातों से समझाओ, दंड। और चौथा है भेद, मतलब देश निकाला दो ऐसे दुष्टों को जो नहीं समझे, देश से निकाल दो। हमारे यहां देश निकाला की व्यवस्था थी, निकाल दो राज्य। दुर्योधन का त्याग कर देना चाहिए था, यह बात धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कई बार समझाई। हे धृतराष्ट्र, यदि आपने दुर्योधन का त्याग कर दिया तो पूरी हस्तिनापुर बच जाएगी। निर्दोष लोग बच जाएंगे, बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ने से बच जाएगा, आम पब्लिक जो युद्ध में मारी जाएगी बच जाएगी। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इतने अंधे थे, केवल आंखों के अंधे नहीं थे ये बुद्धि विवेक से भी अंधे थे, और इनकी लापरवाही के कारण इनका पुत्र मोह इतना सिर चढ़ के बोला कि पूरा नाश कर दिया। 100 बच्चे तो मारे गए, निर्दोष जनता मारी गई, सेना मारी गई।
इसलिए कहता हूं कि बड़ों को चाहिए कि बच्चे गलत हैं तो डांटो, बच्चों के पक्षधर ना बन जाओ यदि वो गलत हैं तो। तुम्हारा अपना ही बेटा क्यों ना हो, गलत है तो उसे समझाओ, डांटो, मनमानी ना कर बेटा, मनमानी ना चलेगी, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। हाँ, अति ना करो। अति कभी नहीं करना चाहिए। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण, चाणक्य कहते हैं। अति ना हो। अति बचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति बचन नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। इसलिए अति कहीं ना, लोग कहते ना अति ना करो, वरना अति का जोर से, लोग कहते हैं अति ना करो वरना अति का अंत हो, ये अंत है। अति ना हो किसी भी चीज की। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की अति हो गई, पुत्र के कारण वो सब कुछ करने को तैयार है। धृतराष्ट्र जी महाराज सब जितना गलत काम है सारा करो, जुआ खिलवाया, बहू की लाज लुटवाई, पांडवों को लाक्षाग्रह में बंद करके आग लगवाई, भीम को जहर दिया, जितना हो सकता था ना खूब किया। लेकिन जिसके रक्षक भगवान है तो लाख कोई बिगाड़े पर बिगाड़ ना पाएगा, क्योंकि रक्षक भगवान। इसलिए 100 सोनार की और 1 लोहार की, 100 भीष्म पितामह, 100 द्रोणाचार्य, 100 अश्वत्थामा, 100 धृतराष्ट्र, 100 दुर्योधन और 1 श्री कृष्ण। इसलिए 100 भीष्म पितामह की जरूरत नहीं है, 100 कर्ण की जरूरत नहीं है, 100 धृतराष्ट्र की जरूरत नहीं है। मेरी ताकत ज्यादा हो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ताकत नहीं बढ़ानी, मुझे तो कृष्ण की कृपा को बढ़ाना है। दुर्योधन ताकत बढ़ाता रहा और अर्जुन कृपा बढ़ाता रहा। एक के पक्ष में सेना गई तो दूसरे के पक्ष में निहत्थे कृष्ण आए। ताकत वाला हार गया और गोविंद वाले। इसलिए आपके पक्ष में कितनी फौज है, आप कितने बलशाली हो, मायने नहीं रखता। आपके ऊपर भगवान की कृपा कितनी है मायने रखती। इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, इसलिए भरोसा भगवान पर रखिएगा, कर्म करो। हम ये नहीं कहते कि तुम सेना ना बनाओ, हम नहीं कहते कि तुम प्लान ना करो, सब करो, पर कृपा जरूरी है। साथ में कौन होना चाहिए? बहुत सेना, बहुत लोगों की जरूरत नहीं, एक कृष्ण पर्याप्त। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए और भगवान के आश्रित रहना सीखिए। हम किसके भरोसे रहें? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, किसके भरोसे रहो? महाभारत के युद्ध से आप लोगों ने ये सब सीखा। क्या क्या सीखा? अति नहीं करेंगे, घर के बंटवारे में सबसे ज्यादा झगड़ा। गृहस्थों के घर में झगड़े की स्थिति कब बनती है बताओ? जब बंटवारा होता है। बोलो हाँ, झगड़े की स्थिति कब तैयार होती है? जब बंटवारा। अच्छा, बंटवारा करता कौन है? घर के बड़े। और बड़े लोगों को बंटवारा करना आता नहीं है। सब की बात नहीं कर रहे हैं हम, पर 95% लोग ऐसे हैं जिनको सही बंटवारा करना नहीं आता। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सही जानते हैं। बंटवारा करने की भी नीति होती है, नियम होते हैं।
अब सत्संग करें तो अक्कल आए, पर सत्संग करते नहीं अक्कल आती नहीं। कैसे बंटवारा करना चाहिए बता। पहले के लोग बंटवारे जो गलत बंटवारा हुए वो मैं गलत बंटवारा बता दूं कैसे होते थे। पहले के लोग ना, जैसे किसी की 10 एकड़ जमीन है तो बंटवारा बाप ने पता कैसे किया। 10 एकड़ जमीन है, 2 जगह या 3 जगह, कुछ यहां कुछ वहां कुछ वहां, तो तीनों जगह बेटों को बांट दी। 3 जगह नहीं, ऐसी बांटो कि एक बेटे का एक जाई एक जगह रहे, दूसरे बेटे का एक जाई एक जगह रहे। यदि 2 बेटे हैं तो एक साथ चीजें होती हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अलग अलग चीजें होती हैं तो केवल खर्चे ज्यादा होते हैं, लागत ज्यादा होती है, मुनाफा कम होता है। अब किसी की खेती 1 एकड़ यहां है और 1 एकड़ 1 किलोमीटर दूर है, उससे अच्छा है कि 2 एकड़ एक साथ हो, क्या सही है? 2 एकड़ एक साथ हो या 1 एकड़ अलग अलग हो? यदि 1 एकड़ अलग अलग हुई तो उसे डबल खर्चा करना पड़ेगा, वहां भी बोर कराए, वहां भी पानी की व्यवस्था कराए, यहां भी, वहां भी मीटर लगवाए, यहां भी। एक जगह होगी तो एक जगह से अच्छा होगा। इसलिए पहले के लोग ना बहुत सारे गलत बंटवारे करके चले गए, ऐसा बंटवारा करके चले गए कि आज तक भाई भाई लड़ रहे हैं। एक बंटवारा तो अपने देश का ही है, भारत पाकिस्तान, ऐसा बंटवारा करके गए हैं कि आज तक लड़ाई हो रही है भारत पाकिस्तान की। ये देखो बंटवारा, गलत कर दिया बंटवारा। बांटे थे 2, किया था 2, हो गए 3, बांग्लादेश। तो बंटवारा करना आता नहीं है, बने भले होशियार हैं, होशियार बने रहो, आता जाता कुछ नहीं है। अरे बंटवारा किया ही था तो अच्छे से करते, वहां के वहीं रहते, यहां के यहीं रहते, एक तरफा हो जाता, एक तरफ हिंदू हो जाते, एक तरफ मुसलमान, वो भी सुखी ये भी सुखी। अब ना वो सुखी है ना ये सुखी है, ना ये खा पा रहे हैं ना वो खा पा रहे हैं, ना ये जी पा रहे हैं ना वो जी पा रहे हैं। अब बूढ़ों ने बंटवारा किया और अपने आप को बाप कह के चले गए, हम सबके बाप हैं। हजारों नहीं लाखों लोग मर गए इनके गलत बंटवारे से। ट्रेनों में लाशें भर के आई, यहां से गई वहां से, बात ये नहीं कि हिंदू मरा कि मुसलमान, इंसान मरे, इंसान मरे, बच्चे मरे, स्त्रियां मरी, बूढ़े मरे, सब मरे, हिंदू मुसलमान मरे, मैं ये नहीं कहता, इंसान मरे, मरे ना। किसके कारण मरे? तुम्हारे बंटवारे के कारण। क्यों जी? सही है, पहली बात तो बंटवारा करने ही नहीं था, वो किया था तो प्लानिंग से करते, लाखों लोग ना मारे जाते, निर्दोष लोगों की क्या गलती थी? जो मारे गए उनका दर्द उनसे पूछो। किसी का बाप खो गया भीड़ में, तो किसी की मां खो गई तो बच्चे जरा जरा से अलग हो गए अपने मां बाप से, जरा पूछो उस समय का वो दर्द जिनके साथ वो घटना घटी होगी। कल्पना से परे हैं चीजें। बंटवारा, बंटवारा करना आता ही नहीं है और बने हैं ठेकेदार। इसलिए सबक है ये कि जरूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार हो। आपके पास डिग्रियां हैं अलग विषय है, लेकिन आप निर्णय लेने में क्या सक्षम हैं? क्या आपने देश हित में सही निर्णय लिया? सही निर्णय होता तो ये जो लाखों लोग मारे गए बंटवारे के कारण, उन लोगों की हत्या का अपराध किसके ऊपर जाएगा बताओ? उनका हत्यारा कौन है? जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, उस समय लाखों लोग मारे गए, लाखों इंसान मारे गए, बताओ उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? कौन जिम्मेदार है? वही लोग जो बंटवारा किए। इसलिए हर पिता को चाहिए कि अपने बेटों के साथ ऐसा बंटवारा करें कि तुम्हारे मरने के बाद उन बच्चों में झगड़ा ना हो,
हर पिता की, जितने बाप सुन रहे हैं ध्यान से सुन लेना, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे जीते जी मर जाएंगे, तुमने गलत बंटवारा किया तो। इसलिए सही करके जाओ, उचित करके जाओ, सबको बिठाओ, बिठा के सबको संतुष्ट करो कि बेटा संतुष्ट हो, ये लो। और हम तो कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितना कमाते हो थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दो और कह दो कि अब ना मिलेगा, जो मेरे पास है मैं दान पुण्य करूंगा, तुम में काबिलियत है, यो बच्चों को धन मत दो, बच्चों को काबिलियत दो, टैलेंट दो, योग्यता दो, कमा के खा लो, उम्मीद मत करो, अब हम तो जो कमाए हैं वो हम पुण्य में लगाएंगे, दान में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। तुमने पुण्य वुण्य कुछ किया नहीं, कमा कमा के बच्चों को ठीक से दे भी नहीं पाए, मर गए, तुम तो मर गए ना, पुण्य करके गए और वो बच्चे और लड़ रहे हैं। इसलिए बिना विचारे जो करे, आगे बोलो आप, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। ये बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है, समझदार लोगों ने ठीक कहा। बड़े बुजुर्ग में देखो, हम बड़ों की दोनों बातें बड़ों की कर रहे हैं बुजुर्गों की, पर एक बात सही है एक बात गलत है। रैदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, ये ना महापुरुषों ने, ये बुजुर्गों ने, बड़ों ने जो नियम बनाए हैं, जो बातें कही हैं, बड़ी अच्छी कही है, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ नहीं था, क्योंकि ये परोपकारी थे, ये भगवान के भक्त थे, ये इन्होंने अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, इन्होंने भगवान को आगे रखा। और ये बाकी लोग, ये अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, ये अपने मंदिर बनवा के पूजना चाहते हैं कि हमारे मंदिर बना के पूजो। व्यक्ति गलत तब करता है जब स्वार्थ होता है, बोलो हाँ, स्वार्थ। जिन्ना कहता है कि हमें एक अलग देश चाहिए, दो चार झप्पड़ मारते बुखार उतर जाता उसका, क्यों जी? बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती, ये तो सामान्य माँ जानती है। बच्चा गरम दूध मांगेगा माँ से तो क्या माँ पिला देगी? ये तो अनपढ़ माँ भी जानती है कि बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना, लेकिन ये ना जान पाए कि क्या करें और क्या ना करें, और अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी कहते हैं।